तो गाइस ये बुल फाइट होने वाली है, ये सामने दो बुल हैं। कोवल असम बीच ये देखिए सामने है और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम साउथ गोवा। अभी मैं हूँ अलगोवा रिसोर्ट में और समय लगभग 8 बज चुके हैं। सुबह 6 बजे उठ गया था और जैसे कि आपको पता है कल हम आए थे यहाँ पे साउथ गोवा में और 2:30 बजे हमारी फ्लाइट आ गई थी और उसके बाद 3 बजे हमें टैक्सी मिली थी, तो 4 बजे तक हम पहुँच गए थे अपने रिसोर्ट में और रिसोर्ट में हमने रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ बेताल बाथी में बीच है वहाँ पे गए थे और बीच के साथ साथ हम कोलवा बीच चले गए थे जो कि है डिस्टेंस अगर बाय रोड जाएंगे तो 4 किलोमीटर का है। तो गाइस अभी प्लान ये है, अब हम निकल पड़े हैं एक्सप्लोर करने बीचेस को और यहाँ के जितने भी ऑर्बिट प्लेस हैं वो भी एक्सप्लोर साथ के साथ करेंगे। तो बैतूल बीच पे जाएंगे और उसके बैतूल पे एक लाइट हाउस भी है, वहाँ भी जाएंगे और कलालेन बीच है और कोला बीच है, बहुत सारे बीचेस आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये स्कूटी हमने हायर कर ली है 2 दिन के लिए और 400 रुपये पर डे का लगा है, 800 रुपये उन्होंने पहले ही ले लिए हमारे से। तो चलते हैं, अब ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस अभी हम हैं बैतूल बीच पे और ये बीच का व्यू दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बीच है और पीछे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आई थिंक वो मेन होगा, हमें जो गूगल ने बताया। तो हम वहाँ पे आ गए बिल्कुल आस एंड पे, तो अभी थोड़ी वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट। बैतूल का लाइट हाउस फेमस है यहाँ पे, वो भी मैं कोशिश करूँगा दिखाने की आपको। ये देखिए समुद्र। तो गाइस अभी हम हैं कोलासम बीच पे और इससे पहले थे हम बैतूल बीच पे, तो पास में ही हैं दोनों, विद इन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है ये कोलासम बीच। और लेकिन ये बिल्कुल लाइव बीच है और काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। पीछे देखिए सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं और साथ में आप हट्स आपको मिल सकती हैं, आपको चेयर्स मिल सकती हैं, आपको बैठ के आप कुछ भी खा पी सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल क्लीन बीच है, एक चीज़ है कि ये दो बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है और यहाँ की सैंड भी बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब कि सॉफ्ट सैंड है। लोकेशन से यहाँ पे पहुँचने में लग 1 आवर एंड 30 मिनट्स लग गया था कोलासम में आने में, स्कूटी बहुत ही बेकार मिली है। अभी लिया है हमने ड्रिंक ब्रेक, तो काफ़ी देर से हम राइड कर रहे हैं और घूम रहे हैं बीचेस पे, 2 बीच हो चुके हैं, अब तीसरे पे चलेंगे, पेलोलम बीच, कोला बीच, इससे पहले कोला आएगा, कोला बीच चलेंगे, उसके बाद पेलोलम चलेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो फिर अपना बटरफ्लाई बीच भी देखेंगे। तो 12:30 बज चुके हैं, हम निकले थे 10:30 के करीब, 2 घंटे हो चुके हैं। तो अभी बस ड्रिंक करके निकलते हैं, काफ़ी प्यास लग रही थी, यहाँ तो पानी महंगा है और हमारा कोला सस्ता है, चलते हैं बस 10-15 मिनट में चलेंगे। तो
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, बातल लाइट हाउस, जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है बातल लाइट हाउस, वहाँ चलते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद चलेंगे पेलोलम बीच पे, जो कि बहुत ही इसी तरह का काफ़ी शांत बीच है और बहुत ही बढ़िया बीच है। चलते हैं। तो गाइस ये सामने आप देख रहे हैं, ये है बैतुल लाइट हाउस। अभी हम 5 मिनट का ट्रैक करके आए हैं, नीचे हमारी स्कूटी खड़ी है और माउंटेन पे हमने क्लाइम करा है। ये यहाँ से व्यू जो है पूरा काफ़ी शानदार व्यू नज़र आ रहा है। ये बैतुल बीच है सामने, लेकिन ये इसको बैतुल बीच जाने के लिए आपको पूरे 12 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। वो कॉर्नर पर, यहाँ पर रिवर और सी दोनों मिल रहे हैं कॉर्नर पर, मैं वहाँ तक गया था। अभी कोलासम बीच है इधर पीछे, तो वो सारा आपको परली तरफ जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर का चक्कर लगा के। तो अभी हम चलेंगे अभी कोला बीच पे, ये भी एक हिडन जेम है गोवा का, साउथ गोवा का। तो देखते हैं, और यहाँ पर आने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, और सिर्फ ये आपको एक लाइट हाउस दिखाई देगा, और लेकिन यहाँ से जो व्यू दिखाई देगा वो बहुत ही शानदार है यार। लाइट हाउस जाने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो ये रास्ता आ रहा है कच्चा रास्ता, पीछे स्कूटी खड़ी है, और ये कच्चा रास्ता जा रहा है ऊपर को, यहाँ से आपको जा सकते हैं यहाँ से, और एक ये सीधा रास्ता भी जा रहा है। ये काफ़ी घूम के जा रहा है, इसमें आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे, इसमें इस रास्ते से 5 मिनट लगेंगे, और ये ऊपर है यहाँ पे बैतुल लाइट हाउस। तो अब चल रहे हैं हम कोला बीच पे, और उसके बाद जाएंगे पेलोलम बीच पे। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं और हम जा रहे थे कोला बीच, लेकिन वहाँ से रास्ता भटक गए हैं और पेलोलम बीच जा रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल 15 मिनट्स का रास्ता रह गया है, 7 किलोमीटर पेलोलम बीच, कोला बीच का काफ़ी डिस्टेंस हो गया है। पता नहीं बीच में कहाँ से रास्ता भटक गए, मैप जबकि लगा रहा, गूगल मैप लगा रखा था, लेकिन नहीं पता नहीं बीच में कहीं से रास्ता मिस हो गया। तो ये गोवा मसाला कोई रेस्टोरेंट है, अभी भूख लग चुकी है, तो यहाँ से अभी हमने फ़िश थाली मंगाई है, गोवा की स्पेशल फ़िश थाली। तो ये अभी फ़िश थाली खाते हैं, देखते हैं। अच्छा है, ये लोकल कोई रेस्टोरेंट है गोवा का, ऑन द वे टू पेलोलम बीच। तो ये है हमारी फ़िश थाली, राइस, फिश, फिश करी, और ये दो पता नहीं क्या है। तो खाते हैं अभी फ़िश थाली, उसके बाद बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। लंच काफ़ी अच्छा था, गोवा जो फ़िश थाली थी, यहाँ की लोकल फेमस थाली होती है यहाँ पे, फिश थाली काफ़ी अच्छी थी। तो गोवा मसाला रेस्टोरेंट है ये, ऑन द वे टू पेलोलम बीच, यहाँ से 8-9 किलोमीटर है, तो 15 मिनट हमें लगेगा। तो अब हम जा रहे हैं पेलोलम बीच पे, तो वहाँ से देखते हैं, अगर बोट मिला है तो बटरफ्लाई वगैरह के लिए, नहीं मिला तो फिर हम बाय स्कूटी आएंगे, वहाँ से आधा घंटे का ट्रैक है। तो पहले जाते हैं पेलोलम बीच।